नमस्कार दोस्तों, कोविड-19 से उत्पन्न हुई आर्थिक विषमताओं के मद्देनजर यह निश्चित रूप से एक सामान्य एक्सपेक्टेशन जनता की बनती है कि भारत सरकार इनकम टैक्स मेजर्स में सब्सटेंशियल रिलीफ आने वाले समय में दे और ये सब्सटेंशियल रिलीफ इकोनॉमी को बूस्ट करने में उसके साथ साथ असेसीज एट लार्ज को रिलीफ देने में सहायक हो ताकि वापस से एक इन्वेस्टमेंट का माहौल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का माहौल तैयार किया जा सके। तो आज की इस वीडियो के थ्रू दोस्तों मैं इसी विषय पर के मेरी नज़र में वो अपेक्षित आयकर रिलीफ क्या हो सकती है वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है जो सुझाव मैं दे रहा हूँ उसे और भी अच्छे तरीके से भारत सरकार आपको रिलीफ दे, या हो सकता है मुझसे कुछ सुझाव देने में यहाँ पर निश्चित रूप से छूटेंगे जिनको आप इस वीडियो में कमेंट्स पोर्शन में ऐड करके आगे बढ़ा सकते हैं ताकि ये चीज, ये पर्टिकुलर वीडियो सही जगह तक पहुंचे और जो रिलीफ हम एक्सपेक्ट करते हैं जेन्युइनली फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर गिविंग, फॉर परमिटिंग द रिलीफ ऑफ इनकम टैक्स टू द असेसीज एट लार्ज, उस विषय तक पहुंचने में ये वीडियो सहायक। दोस्तों मैं अपनी बात की शुरुआत चाणक्य के एक कोटेशन से करना चाहता हूं जिसमें चाणक्य ने कहा है अर्थशास्त्र में, टैक्सेशन शुड नॉट बी अ पेनफुल प्रोसेस फॉर द पीपल, देयर शुड बी लीनियंसी एंड कॉशन व्हाइल डिसाइडिंग द टैक्स स्ट्रक्चर, आइडियली गवर्नमेंट शुड कलेक्ट टैक्सेस लाइक अ हनी बी विच सक्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ हनी फ्रॉम द फ्लावर सो दैट बोथ कैन सर्वाइव, टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड इन अ स्मॉल एंड नॉट इन लार्ज प्रपोर्शंस। सर, ये पर्टिकुलर कोटेशन आने वाले समय के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार इस प्रकार अपने असेसी से, अपने नागरिकों से टैक्स की वसूली करे कि वो टैक्स वसूली से दोनों पर्पस सॉल्व हो सके, कि न केवल भारत सरकार को टैक्स रेवेन्यू के रूप में कलेक्शन हो बल्कि उसके साथ साथ जनता जनार्दन को भी रिलीफ मिले। तो इसी चाणक्य के इस कोटेशन को ध्यान में रखते हुए हम आगे के डिस्कशन पर बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों संक्षिप्त में क्या रिलीफ भारत सरकार ऑलरेडी दे चुकी है। सरकार ने कहा है आधार पैन लिंकिंग हम 30 जून 2020 तक एक्सटेंड कर रहे हैं, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर या रिवाइज्ड आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 सरकार ने एक्सटेंड कर दी है 30 जून 2020 तक। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि लास्ट डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए पार्ट बी लाइक एटीसी, एटीडी, एटीसीसीडी वगैरह हम 30 जून 2020 तक एक्सटेंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार ने डेट ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन परचेज फॉर क्लेमिंग रोल ओवर बेनिफिट अंडर सेक्शन 54-54 GB भी 30 जून 2020 तक पहले से बढ़ा दी है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एसीजेड ऑपरेशन यानी कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई पर्टिकुलर यूनिट अप्रूव होती है तो वो 31 मार्च 20 की जगह 30 जून 2020 तक भी अपना बिजनेस कमेंसमेंट करेगी तो वो 10AA इनकम टैक्स एक्ट की धारा के तहत बेनिफिट लेने के लिए योग्य होगी। और इंटरेस्ट पेमेंट भारत सरकार ने सर जो 1% पर मंथ था या 1.5% पर मंथ टीडीएस टीसीएस के डिफॉल्ट में, एडवांस टैक्स के डिफॉल्ट में जहां जहां था उसको घटा करके 3/4% पर मंथ यानी 9% पर एनम कर दिया फॉर द पीरियड 20 मार्च 2020 टू 29 मार्च 2020 इफ सच ड्यूज आर पेड अप टू 30th of June 2020। विवाद से विश्वास भी सरकार ने एक्सटेंड कर दी 30 जून 2020 तक बिना 10% के अतिरिक्त भुगतान के। सर ये सिनेरियो वो है जब सरकार ने टैक्स कंप्लायंस पैकेज के थ्रू अपनी एक इनिशियल पैकेज लोगों को दिया। एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि सरकार ने अभी तक कोई महत्वपूर्ण या कोई विशेष आर्थिक पैकेज असेसीज एट लार्ज को इनकम टैक्स रिजीम के रूप में अभी तक नहीं दिया। हम वेट कर रहे हैं। हालांकि मैंने आज सुना भी कि माननीय वित्त मंत्री सीतारमन जी ने यह घोषणा भी करी है कि वो आने वाले समय में इस प्रकार के एक पैकेज पर विचार कर रही हैं। तो निश्चित रूप से सर ये पैकेज सरकार को जल्दी लाना चाहिए ताकि जो एक निराशावादी माहौल है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो और जनता आगे के लिए अपनी प्लानिंग कर सके। अब मैंने यहां पर सर अपनी सीमित बुद्धि से जो भी मेरे को लगता है कि मोर रिलीफ एक्सपेक्टेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 यानी जो अभी अभी वित्त वर्ष खत्म हुआ है 19-20 उसके लिए मेरी क्या सोच है कि भारत सरकार को ये रिलीफ भी देनी चाहिए। वन, ड्यू डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 शुड बी एक्सटेंडेड इन नॉर्मल केसेस यानी इन इंडिविजुअल केसेस फ्रॉम 31st of July to 30th of September 2020। इसी प्रकार से सर
ऐसे एसएससीज जो कि ऑडिट केसेस में कवर्ड होते हैं उनकी ड्यू डेट भी सरकार को निश्चित रूप से 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर के 30 नवंबर 2020 करनी चाहिए। मैं एक और बात यहां जोड़ना चाहता हूं सर, ऐसे लॉसेस जो कि असेसमेंट ईयर 2020-2021 में 8 साल की अवधि पर समाप्त हो रहे थे सेट ऑफ के लिए या मैट क्रेडिट से संबंधित मामले भी हो सकते हैं, मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि उन केसेस में एक और असेसमेंट ईयर या एक से ज्यादा असेसमेंट ईयर के लिए भी भारत सरकार समय अवधि बढ़ा सकती है। इंटरेस्ट पेमेंट अंडर सेक्शन 234B फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 शुड बी फुली वेव। ये क्या बात करी सर मैंने यहां पर, हम सब जानते हैं सर कि अगर कोई एसएससी एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं कर पाया है तो 1 अप्रैल असेसमेंट ईयर से लेकर के जिस दिन तक वो वास्तविक भुगतान करता है उस दिन तक 234B सेक्शन में उसको ब्याज देना पड़ता है एट द रेट 1% पर मंथ। हालांकि भारत सरकार ने 20 मार्च से 30 जून की अवधि के अंदर जो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट जो पीरियड है उसके लिए इंटरेस्ट 2/34B 3/4% यानी 9% कर दिया, लेकिन हम देख रहे हैं सर कि लॉकडाउन पूरा अप्रैल माह लेने वाला है एंड ईश्वर की कृपा रहे कि इससे आगे लॉकडाउन न बढ़े, सारी चीजें इंडिया में सेटल हो जाएं, वापस से चीजें सुधार की ओर बढ़े और ऐसा होगा। लेकिन निश्चित रूप से ये जो आर्थिक विषमता आई है सर, इस आर्थिक विषमता को दूर करने में वापस से रेवेन्यू का फ्लो बनाने में अगले 2-3 महीने का समय अवधि लगेगा, तो उस पीरियड के लिए भारत सरकार ये कहे कि नहीं हम 9% ब्याज लेंगे। मेरा ये राय है सर कि 9% की जगह शून्य दर से ब्याज बनना चाहिए। इसी प्रकार से सर इंटरेस्ट पेमेंट अंडर सेक्शन 234C फॉर द पीरियड फॉलिंग आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट डेट, क्या होता है सर 15 मार्च के बाद 31 मार्च तक भी जो भुगतान हम कर देते हैं एडवांस टैक्स का उस पर हमें 1% का ब्याज देना पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर भी 1% का ब्याज भी जनता। अब मैं आगे बढ़ता हूं सर, रिलीफ एक्सपेक्टेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021 एंड 2022 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो 2021 आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है सर कि भारत सरकार उसमें क्या रिलीफ देती है ये हमें देख। मैंने पहली बात करी सर, फर्स्ट द एडवांस टैक्स, फर्स्ट एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट डेट फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 शुड बी एक्सटेंडेड टू 15 सितंबर 2020। हालांकि सर पहली एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट डेट जो है वो 15 जून आती है, मेरा ये निवेदन है कि भारत सरकार क्यों ना इस एडवांस टैक्स की पहली डेट को बढ़ा करके 15 सितंबर 2020 कर दे, क्योंकि 15 जून 2020 तक सब्सटेंशियल रेवेन्यू एक्टिविटी न केवल इंडिविजुअल्स के केसेस में बल्कि कॉरपोरेट के केसेस में भी नेग्लिजिबल रहेगी और ऐसी परिस्थिति में एडवांस टैक्स का पेमेंट अपने आप में क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। हालांकि आप मेरे को ये कह सकते हैं सर कि जब इनकम ही नहीं होगी तो एडवांस टैक्स की पोजीशन कहां से आएगी, लेकिन इस तर्क का एक उलट बात ये हो सकती है कि मान लीजिए सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में एसएससी की इनकम बढ़ती है और इस पहले क्वार्टर में इनकम नहीं रहती, तो इस पहले क्वार्टर के इनकम नहीं रहने के बावजूद एसएससी को टैक्स की कैलकुलेशन प्रोपोर्शनेटली की जाती है तो एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है। तो इसलिए 234C के पर्पजेस से मेरा निवेदन है कि पहली किस्त की डेट निश्चित रूप से 15 जून से बढ़ा के 15 सितंबर की जाए। दूसरी बात, परसेंटेज ऑफ इनकम कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44AD शुड बी रिड्यूस टू 6% इन ऑल द केसेस। वर्तमान में सर 44AD के मामलों में 8% की स्टैंडर्ड रेट है और अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुए हैं तो 6% की दर है। मेरा ये निवेदन है सर कि अक्रॉस द बोर्ड चाहे आप कैश में ट्रांजेक्शन करें, क्योंकि इस समय सर जो मेन बात है वो है इकोनॉमी को फ्लो देना, और इकोनॉमी को फ्लो कैसा होगा कि जब पैसा घूमेगा मींस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में मनी का फ्लो जितना तेज होगा उतना ही सर इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा निवेदन है कि 44AD की दर भी अक्रॉस 6% की जानी चाहिए। साथ साथ सर 44ADA में प्रोफेशनल के लिए जो 50% की मिनिमम कैप है, हालांकि मैंने उसे पॉइंट के रूप में यहां पर नहीं लिखा, प्रोफेशनल्स को भी सर यहां पर कुछ रियायत दिया जाना बनता है। तीसरी बात, स्पेशल इंसेंटिव टू बी गिवन इन फॉर्म ऑफ डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट मेड इन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड। मैं सर एक बात यहां पर रखना चाहता हूं, हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत ना हो परंतु ये बात महत्वपूर्ण है। वर्तमान में सर आप ये देख सकते हैं कि भारतीय शेयर मार्केट भी वैश्विक शेयर मार्केट के अनुरूप काफी हद तक गिरा हुआ है, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी काफी डिट्रिएट हो गई है। अब दो तरीके हैं सर, एक नॉर्मल इन्वेस्टर इन गिरे हुए मार्केट से निकल जाए या इसमें एंट्री ले।
लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से एंट्री लेना ही बेनिफिशियल है। मैं ये नहीं कह रहा आप आज एंट्री लें, लेकिन इसी समय के अराउंड जब शेयर मार्केट डाउन है और हम एंट्री लेंगे तो लॉन्ग टर्म में वी विल बी मनी मेकर्स, बिकॉज परिस्थितियां बदलेगी, ये आप मान करके चलिए। अब यदि सरकार एक स्पेशल इंसेंटिव देती है शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का अलग से, तो ऐसी परिस्थिति में वो इंसेंटिव लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए पूंजी बनाने में सहयोग करेगा। एक और बात, मैं ये मानता हूं, मेरा सरकार से निवेदन है कि डेप्रिसिएशन रेट ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी एज वेल एज न्यू कॉमर्शियल बिल्डिंग विच विल बी यूज फॉर बिजनेस शुड बी इंक्रीज एटलीस्ट बाय 10%। दैट इज जो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन रेट है सर, उसे 15 से 25 की जाए। हालांकि इसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और इसी प्रकार से बिल्डिंग की कैटेगरी में भी सर 10% से 20% की डेप्रिसिएशन रेट कम से कम अगले 3 साल के लिए की जाए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जितना नए प्लांट एंड मशीनरी में इस समय इन्वेस्टमेंट होगा, नई बिल्डिंग कॉमर्शियल बिल्डिंग में इस समय इन्वेस्टमेंट होगा सर, बिजनेस प्रमोट होगा, और यदि बिजनेस प्रमोट होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जीडीपी बेनिफिटेड होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट सब्सटेंशियल है। कुछ और पॉइंट सर जो मैं 2021 के बाद यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 में जोड़ना चाहता हूं, अ न्यू सेक्शन इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस फॉर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन शुड बी इंसर्टेड फॉर द पीरियड 1st of June 2020 टू 31st of March 2021। सर पहले भी प्रीवियसली ऐसा हो चुका है कि भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए विशेष डिडक्शन इंडस्ट्री को दिए हैं, और इसी प्रकार से सर भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन रादर में सर्विस सेक्टर को भी यहां पर जोड़ने की अनुशंसा करता हूं कि यदि इस प्रकार के सेक्टर्स में कोई इन्वेस्टमेंट होता है या सर्टन एम्प्लॉयमेंट आता है, सर्टन इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग आता है, तो एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस का डिडक्शन एसएससी को मिलना चाहिए। हो सकता है सर इससे कुछ अवधि के लिए 1 या 2 साल सरकार को टैक्स का कलेक्शन कम हो, लेकिन सर जैसा मैंने शुरू में ही चाणक्य के स्टेटमेंट से बोला था कि इस समय टैक्स कलेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोबारा रफ्तार देना, और अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इस समय रफ्तार पकड़ेगी लॉकडाउन के खत्म होने के बाद, तो निश्चित रूप से सर हमने जो ये बुरा समय देखा है वो बुरा समय जल्दी ही लुप्त हो जाएगा और हम लोग वापस से प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। एक और बात सर, डिडक्शन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड होम लोन इंटरेस्ट कैप शुड बी एनहांस्ड टू ₹3 लाख एटलीस्ट। अभी सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर 2 लाख का ब्याज मिलता है, हालांकि एक विशेष सेक्शन सरकार लेकर के आई ऐसे प्रॉपर्टीज के मामले में जिनपे एक आपने कोई लोन ले रखा हो और वो पर्टिकुलर लोन सर्टेन अमाउंट से ज्यादा नहीं है, तो उस लिमिटेड केस में तो सर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का होम लोन का इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, पर अक्रॉस जो लिमिट है वो 2 लाख ही है। तो मेरा यह निवेदन है सर कि जो होम लोन के इंटरेस्ट की लिमिट है उसको यदि सरकार 3 लाख करती है तो हाउसिंग सेक्टर को एक बूम मिलेगा, और हाउसिंग सेक्टर को इस समय मिलने वाला बूम सर न केवल बिल्डर्स को बेनिफिट करेगा, बल्कि बिल्डर्स के साथ साथ बहुत सारी लेबर सर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम में आती है, सीमेंट इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, आयरन इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, देन फर्निशिंग एक्टिविटी, उन सबको सर यहां बहुत बड़ा बेनिफिट इस प्रकार के एक छोटे से डिडक्शन की अमाउंट इंक्रीज करने से आएगा। तीसरी बात, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCD फॉर नेक्स्ट 3 ईयर शुड एटलीस्ट बी इंक्रीज टू ₹2 लाख पर एनम। अभी सर 80C, 80CCD में जो क्वांटम है, यदि मैं एडिशनल सबसेक्शन 1B ऑफ 80CCD की बात ना करूं तो 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है, क्यों ना सर सरकार इस 80C के क्वांटम को 2 लाख रुपए तक ले जाए, तो ऐसे लोग सर जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट होंगे कि हाँ उनके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी है वो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करें, और ये पैसा सर राष्ट्र के विकास में यूज किया जा सकता है, तो क्यों ना सर 80C, 80CCD को नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 1.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 2 लाख रुपए की कैपिंग पर ले जाया जाए। एंड चौथी बात जो मैं यहां कह रहा हूं या अंतिम बात कह सकता हूं, हालांकि इस अंतिम बात में आपको कुछ यूजफुल सजेशंस जोड़ने होंगे, टैक्स फ्री इंफ्रा बॉन्ड्स विद एट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट शुड बी इंट्रोड्यूस टू कलेक्ट मनी फॉर इंफ्रा फंडिंग। निश्चित रूप से सर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की तरक्की के लिए और इस वर्तमान समय में तो बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भारत सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो इन्वेस्टमेंट
आने वाले समय में भारत की औद्योगिक प्रगति की रूपरेखा तैयार करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में यदि सरकार टैक्स फ्री इंफ्रा बॉन्ड लेकर के आती है तो जो मार्केट में सरप्लस फंड्स हैं, जो कि बिखरा हुआ है, वो स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा सकता है। तो ये कुछ सर मेरी ओर से असेसमेंट ईयर 21-22 के सुझाव मैंने यहां पर जोड़े हैं। कुछ और रिलीफ दोस्तों मैं सरकार से एक्सपेक्ट करता हूं। पहली रिलीफ में लिख रहा हूं, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पेइंग 20% डिमांड इन अपीलेट केसेस शुड बी रिड्यूस टू 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड ओनली। अभी नियम क्या है सर, यदि आपके अगेंस्ट में कोई डिमांड खड़ी है और आपको अपील में जाना है तो आपको 20% मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा। वर्तमान परिदृश्य में सर निश्चित रूप से एक आर्थिक तंगी का सामना ज्यादातर जनता जनार्दन करेगी और ऐसी परिस्थिति में डिस्प्यूटेड डिमांड के केसेस में जहां पर एसएससी को लगता है मैं जीत सकता हूं, वो विवाद से विश्वास स्कीम का बेनिफिट नहीं अवेल करेगा, तो वहां पर उस एसएससी को सर 20% की डिमांड देना एक भारी अमाउंट पड़ता है। क्यों ना इस अमाउंट को फॉर टाइम बीइंग रिलीफ देने के लिए एसएससी इसको 10% कर दिया जाए। इसी प्रकार से सर rather the practice of attachment of bank accounts of the assessee in small demand amount cases or current account cases should be deferred for next one year, क्योंकि जब income tax की demands का payment नहीं होता तो income tax department के पास एक substantial अधिकार है कि वो assessee के bank खाते attach कर लेते हैं। अब आप समझिए सर, यदि किसी assessee का current account ही attach हो गया या किसी की छोटी मोटी demand है और उसका saving account attach हो गया तो वो व्यक्ति किसी प्रकार की revenue activity करने से एकदम रोक जाता है। तो मुझे लगता है सर वर्तमान परिदृश्य में अगले एक साल के लिए कुछ रिलीफ एसएससीज एट लार्ज को मिलना चाहिए। तीसरी बात सर, विवाद से विश्वास स्कीम रिलेटेड पेमेंट जिसकी लास्ट डेट सरकार ने वैसे तो बिना 10% के पेमेंट के 30 जून कर दी, लेकिन 30 जून के बाद भी एक नेक्स्ट डेट दी जा सकती है जहां पर 10% के एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ ऐसा पर्टिकुलर व्यवस्था दी जाए। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑप्शन भी सर एसएससीज को दिया जा सकता है, क्योंकि 30 जून वो सरल डेट नहीं होगी जहां पर लोग विवाद से विश्वास स्कीम में ऑप्शन लेने के बाद 30 जून तक पूरा भुगतान कर दें, क्योंकि ये 2 या 3 महीने का पीरियड आर्थिक तंगी का पीरियड है। इस पीरियड में विवाद से विश्वास में एसएससी से ये एक्सपेक्ट कर लेना कि वो अपना पूरा पेमेंट जमा करा दें डिस्प्यूटेड टैक्स का, ये एक मुश्किल बात होगी। तो क्यों ना सरकार इस पर और रिलीफ के बारे में विचार करे। और चौथी बात, सरकार टीडीएस टीसीएस नॉन कंप्लायंस पर ब्याज की दर को 1 या 1.5% से 3/4% यानी 0.75% की बात कर चुकी है, लेकिन मेरा यह निवेदन है सर कि इंटरेस्ट पेनल्टी और फीस जो भी मार्च 2020 से मई 2020 तक के पीरियड की हो वो पूर्णतः वेव की जानी चाहिए, क्योंकि जब आर्थिक एक्टिविटी नहीं है सर, अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है, 31 मार्च को खाताबंदी यानी अकाउंट्स क्लोज होते हैं सर, और सरकार 30 अप्रैल तक टैक्स जमा कराने की अवधि देती है। अब ऑलमोस्ट 30 अप्रैल तक सर जब लॉकडाउन चलेगा तो उस वजह से एसएससी किस प्रकार से टीडीएस कंप्लायंस कर पाएंगे, क्योंकि इस समय वर्किंग कैपिटल साइकिल बिगड़ चुका है। तो मेरा ऐसा निवेदन है सर कि एटलीस्ट मई 2020 तक इंटरेस्ट पेनल्टी और फीस से मुक्ति दी जानी चाहिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो और बिंदु दोस्तों मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा, पहला क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन शुड बी गिवन फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020। हालांकि भारत सरकार ने कह दिया है कि अगर आप 31 मार्च 2020 तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए और आपने 30 जून 2020 तक भी इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हम उस इन्वेस्टमेंट को एटीसी एटीसीसीडी एटीडी की वजह से उन सेक्शन के पर्पजेस से फाइनेंशियल ईयर 19-20 में किया गया इन्वेस्टमेंट ही मान लेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे एसएससीज हैं सर जिनका फाइनेंशियल ईयर 19-20 का इन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा हो गया फॉर टैक्स सेविंग पर्पजेस, और वो भी 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उन्हें ये ऑप्शन हो कि वो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को जो 1 अप्रैल 20 से 30 जून 2020 के बीच करेंगे वो 19-20 में न क्लेम करके उसका डिडक्शन 20-21 फाइनेंशियल ईयर में क्लेम कर पाए। तो ऐसा क्लेरिफिकेशन सरकार से एक्सपेक्टेड है। इसी प्रकार से दोस्तों कैपिटल गेन के एग्जम्पशन जैसे सेक्शन 54EC में 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन हमें मिलता है यदि NHAI या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बॉन्ड एसएससी खरीदे, क्यों ना इसको भी सरकार बढ़ाकर के 75 लाख रुपए तक ले जाने पर विचार करे। इससे अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर पैसा जाएगा जो राष्ट्र की प्रगति में सहायक होगा। तो ये कुछ मेरी ओर से मैंने सुझाव सर यहां पर एड किए।
अंत में दोस्तों, मैं पुनः यहां क्लियर करना चाहता हूं, हालांकि मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं कि मैं उस प्रकार से अर्थशास्त्र की सारी बातों को अपने नजर में रखते हुए यहां पर कमेंट कर पाऊं, लेकिन मैं जनता जनार्दन से जुड़ा रहता हूं इन टर्म्स ऑफ माय क्लाइंट सफरिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर कोविड 19 फेस, और मैं उसी दृष्टि से सर यहां पर अपनी बात आपके समक्ष रख पाया हूं कि मेरे सुझाव एक सही लेवल तक इस प्रकार से पहुंचे। इन सुझावों की कड़ी में आपके द्वारा कुछ सुझाव जोड़े जाएं और ये सुझाव मिलकर के सरकार को एक नई दिशा, आर्थिक दशा बनाने में हेल्पफुल हो। तो इसी शुभकामना के साथ सर मैं यहां पर अपना डिस्कशन समाप्त करता हूं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।